हाल वही है जो पहले थे, महंगाई वैसे ही बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ी है, और जिस रफ्तार से समाजवादियों ने विकास करना शुरू किया था उस विकास को रोकने का काम किया इन्होंने। संविधान की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसके तहत जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो भी अभी अधूरे हैं। जो लड़ाई जीती लोकसभा में उसमें थोड़ा बहुत रुके हैं भाजपा ही, लेकिन अभी भी उनके फैसले ऐसे नहीं हैं जिससे कि सभी को न्याय मिल रहा हो। ये अपने आप को हर संस्था से ऊपर समझते हैं, इनके लिए कोई संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सारे पे चला रहे हैं, ये सदस्यता कम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इनकी जो सदस्यता चल रही है वो कम चल रही है, लेकिन जमीनों पे कब्जा ज्यादा चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट कभी नहीं होगी जितनी इनकी सरकार में हो रही है। बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं, अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास, उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। करहल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा, सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो, हम समर्थन आपका ही कर रहे हैं। जी, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं है, कुछ तो आए सीटों पर। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। बीवाई चंद्रचूड़ को लेकर, कांग्रेस गठबंधन को लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नाराजगी दिखा रही है कि हम दो सीट नहीं चाहिए। अभी नामांकन चल रहे हैं, समय है, ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। अच्छा जी, अयोध्या की मिर्कीपुर सीट जो थी उसको कानूनी पेचीदगी का स्वरूप दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं वहां, क्या कारण है? सच्चाई आप भी जानते हो, जिस सरकार ने बीएलओ हटाए हों, सब अधिकारियों को हटा दिया हो, अपनी मनमर्जी के अधिकारी पोस्ट कर दिए हो, मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार गए, कई बार विकास का पैकेज भी दिया उन्होंने, और जब इंटरनल सर्वे करवाया उन्होंने तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी, फिर मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यक्रम लगाया, और बार बार कार्यक्रम लगाने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। अध्यक्ष जी, करहल में डिप्टी सीएम आए हुए थे, वहां पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, उनको जेल भेजा गया डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये किसी को न्याय नहीं दे सकते, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी न्याय नहीं दे सकती, जो न्याय नहीं दे सकता वो सम्मान भी नहीं कर सकता। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नाराजगी है, तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। ये जो सत्ता की ताकत से जो मुकदमे लगाए या जेल भेजा है या उनको परेशान किया जा रहा है, यही जनता है, इनका हिसाब किताब करेगी इस चुनाव में। एक बार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कई बार रोजगार के मेले, विकास के मेले जो है दिखाई दिया। अब सरकार पे उतना समय नहीं है जितना समय था उन पर, जितनी सरकार चल रही है अब उतना भी समय उनके पास नहीं है,
ये सरकार जाने वाले लोगों की है, जनता इनको इस चुनाव में हरा करके विदाई का रास्ता खोल देगी। डीएपी खाद को लेकर मारामारी चल रही है, कहीं खाद नहीं है। और अभी मान लीजिए धान तैयार होने जा रहा है, क्या सरकार का इंतजाम है कि किसानों को सही कीमत दे देंगे? जिन लोगों ने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे, धान तैयार हो गया, क्या तैयारी है धान खरीदने की? किसानों को पराली जलाने से रोका जा रहा है। ये पराली वाला बड़ा सवाल है, सरकार को किसान के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ये सवाल है, अभी इलेक्शन के दौरान भी आपने ईवीएम को लेकर सवाल करेंगे, आप एलन मस्क में भी ईवीएम पे सवाल करेंगे, इवन अमेरिका में भी जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी से कई बार आपको सूचनाएं मिलती हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से घटना हुई है, आज ही के अखबार में पढ़ा गया है और किसी अखबार में ये सूचना दी गई है कि सबसे ज्यादा घटनाएं जो आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, चाहे वो एटीएम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा निकालना, किसी का कार्ड मिसयूज करना, इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। और एआई आने के बाद बहुत सी चीजें बदल रही हैं। जर्मनी जैसा देश जो विकसित है वो अपने यहां कहता है कि अगर ईवीएम इस्तेमाल होगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। तो जब जर्मनी जैसा देश जो दुनिया में बहुत आगे है, भारत से कई मामलों में बहुत आगे है, जब वो देश ईवीएम के इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा है तो स्वाभाविक है कि उसमें सवाल खड़े होंगे, उंगली खड़ी होगी। तो क्या 2027 में ईवीएम क्या रहेगा क्या? ये विषय अभी का नहीं है, हमारी बात और समाजवादी का पक्ष में लोकसभा में भी कह चुका हूं, वो आप देख लीजिए मैंने क्या कहा। प्रोफेसर साहब ने एक बयान दिया है, ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बयान को आप किस तरह देते हैं, हर प्रचार में ये यूज होता है। वो समाजवादियों को बता रहे हैं और पीडीए परिवार को कह रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ। केंद्र की सरकार पार्ट थ्री तकनीकी की बात करते हैं और एक बम की एक सूचना आ जाती है, हवाई जहाज वापस करा लिए जाते हैं और हम विदेशों में ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। मेरे पत्रकार साथी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विधानसभा में आरडीएस आ गया है और जब उसकी जांच हुई तो पता लगा है वो खैनी वाला मसाला था कि वो जो कभी कभी लकड़ी के में इस्तेमाल होता है। तो ये बात तो विधानसभा की मैं कह सकता हूं। अब ये बम वाली बात आ रही है तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए सरकार को, और सरकार की भी मंशा यही होगी कि सिक्योरिटी बढ़ जाए। अब कहां की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं या डराना चाहते हैं ये तो सरकार ही बेहतर बता पाएगी, लेकिन बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वो समय नहीं है उन बातों को कहने का। कनाडा जैसा देश कुछ बात ऐसी कह रहा है जिससे भारत का सम्मान को ठेस पहुंच रही है, अमेरिका भी वही बात कह रहा है, और हम और आप लोग अखबार में कई ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं या पढ़ रहे हैं हम लोग, जिन पे स्वाभाविक है चिंता करना पड़ेगा। अभी आप बेहतर समझते हैं किन बातों को मैं कह रहा हूं। अटल जी, बीजेपी के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अयोध्या में जो हार मिली है उसका बदला अगर ले सकते हैं तो करहल जीत कर ले सकते हैं, ये और मिल्कीपुर फिर बदला ले लेगी बीजेपी से। तब अटल जी, अभी प्रोफेसर साहब ने विवादित बयान दिया है सीजीआई को लेकर, क्या उसको लेकर वो माफी मांगेंगे? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब का सब सम्मान करते हैं और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं।